दोस्तों, एक दौर था जब लगभग हर गली मोहल्ले या हर मोड़ पर कैसेट्स की शॉप हुआ करती थी, जो ऑडियो कैसेट के साथ साथ कैसेट डेक, कैसेट प्लेयर भी सेल करते थे। हाँ, उनके पास कोई ज़्यादा ब्रांडेड बढ़िया कैसेट डेक नहीं होते थे। वो अच्छे डेक लेने के लिए आपको शहर या मेन मार्केट में जाना पड़ता था, वहीं से आपको अच्छे ब्रांडेड डेक मिलते थे। लेकिन जो डेक इनके पास होते थे वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते थे। वो ज़्यादातर हमारे लोकल मेड या असेंबल डेक हुआ करते थे, और जो लोहे की शीट से बने होते थे आते थे। कुछ लोकल कंपनी होती है, वो प्लास्टिक शीट से भी बनाती थी, अच्छे डेक थे उनके, लेकिन ज़्यादातर असेंबल्ड हुआ करते थे। वो ज़्यादातर ऐसे डेक रखते थे जो आप घर पे भी चला सकते हो, और कार, जीप, ट्रक और बस में भी लगा सकते थे। काफ़ी अच्छे डेक होते थे वो। तो आज जो आपको मैं डेक दिखाऊंगा वो ऐसा ही डेक है। वो हो सकता है किसी कभी किसी टाइम किसी बस में या ट्रक में लगा हो, लेकिन मेरे को उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस डेक के बारे में। हम मेरे को जब मिला है वो अच्छी कंडीशन में है, साफ़ है। इसके ऊपर तब तक लेमिनेशन थी, मैंने ही उतारी थी, इसका जो ऊपर प्लास्टिक का पेपर होता है। हाँ, लेकिन ब्रांड न्यू नहीं था, क्योंकि इसके पीछे एक सुराख हुआ हुआ है, जिस सुराख के साथ इसको ट्रक बस की बॉडी के साथ कस दिया जाता था। तो हो सकता है ये पहले ऐसे यूज़ हुआ हो, लेकिन कंडीशन में देख के फ्रंट से तो आप ऐसे बोल सकते हो ये ब्रांड न्यू है। और एक इसकी ख़ास बात ये है भी ये स्मॉलेस्ट एफएलडी कैसेट डेक है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एफएलडी कैसेट डेक है ये। इससे छोटा कैसेट डेक मैंने तो नहीं देखा रहा। आपने देखा तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताना। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दो। हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और जो हमारे पुराने साथी हैं दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपना सहयोग और प्यार इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए, और हम इसी तरह आपके लिए और अच्छी चीज़ें ढूंढ कर लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, जो आज का कैसेट डेक है, एफएलडी मैकेनिज्म का कैसेट डेक है, और काफ़ी छोटा है। तो छोटा ऐसा है, मैंने आप देख लो, आपको जो ये स्टैंड है, मेरा मोबाइल स्टैंड है, मैंने उसी पर लगा दिया था इसको। चलो आपके दिखाते हैं। इसके अंदर दोस्तों ट्रांसफार्मर नहीं है, ये 12 वोल्ट पर चलता है। ट्रांसफार्म ना होने, क्योंकि बस ट्रक में लगाने के लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई हमें बाहर से देनी होगी। उसके लिए दोस्तों मैंने अपनी गाड़ी की बैटरी निकाल रखी है। देखिए आप, बैटरी की गाड़ी से चलाएंगे इसको, और उसके लिए मैंने ये एक लीड बनाई है। ये देखिए आप, चिमटियों से मेरे पास थी नहीं, तो मेरे को आपको वीडियो दिखानी ज़रूरी थी। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए आपको वीडियो बनाई नहीं, तो इसलिए मैंने खुद भी बना ली। इस डेक में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जो इसके आउटपुट है उसमें आप एक तो अपना कनेक्शन मिलेगा आपको 12 वोल्ट का बैटरी पे अटैच करने के लिए, और एक इसमें दोस्तों स्पीकर की आउटपुट है। हाँ जी, ये सिंगल स्पीकर पर चलता है, लेकिन ऐसा भी अच्छा है, सॉलिड है, हैवी है, तो आप इसके साथ दो स्पीकर अटैच कर सकते हो, लेकिन इनका प्रोविज़न सिर्फ एक स्पीकर का ही है। तो आ जाओ, पहले आपको थोड़ी सी डिटेल दिखा दें इसकी। सबसे पहले तो दोस्तों आप फ्रंट देख लो इसका, तो इसको इस पर से उतार ही लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, छोटा सा डेक कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये देखिए आप, काफ़ी छोटा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका जो कैसेट शटर है, जिसके ऊपर ऑटो स्टॉप लिखा गया है, सॉफ्ट रिजेक्ट, ये दोस्तों इसकी डांसिंग लाइट्स है, जो प्ले हुई लाइट्स चलेंगी, इसमें इंडिकेटर चलेंगे। फिर इसके देखो आप, कार स्टीरियो दोस्तों इस पर स्पेशल लिखा गया है, कार स्टीरियो। इससे पहले आपको मैंने जितने छोटे डेक दिखाए हैं, जो हमने देखे हैं, उन पे ऊपर कैसे डेक लिखा होता है, लेकिन जो एफएलडी लोहे की बॉडी में ये वाले कैसे डेक हमने देखे हैं, किसी के ऊपर भी कार स्टीरियो नहीं लिखा गया था। स्पेशली इसी डेक पे, जो सबसे छोटा डेक आपको दिखा रहा हूँ, हमारा सबसे छोटा डेक है, इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कैसे डेक है, तो इसमें ऊपर देखो स्पेशली लिखा गया है, मेंशन किया गया है कार स्टीरियो, स्पेशली कार के लिए बनाया गया, इसलिए इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हो, आप बाहर से अडैप्टर लगा के भी दे सकते हो, तो आप इसको घर पर चला सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसके लिए।
और एक स्पीकर का आउटपुट है। चलो बाकी आपको मैं इसके फंक्शंस नीचे वाले बता देता हूँ दोस्तों। ये इसका पॉज के लिए, अगर आपने कैसे यहाँ पर रोकनी है, या दोस्तों इजेक्ट के लिए, कैसे बाहर निकालने के लिए और स्टॉप के लिए। ये आ गया दोस्तों प्ले का स्विच आ गया इसका, फॉरवर्ड का आ गया दोस्तों, सॉरी रिवर्स का, ये फॉरवर्ड का, और ये रिकॉर्डिंग का। ये रिकॉर्डिंग होती नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ फंक्शन दिए गए हैं। ये आ गया दोस्तों टोन आ गया इसका, ये वॉल्यूम है और ये टोन, ये बास ट्रबल हो गया दोस्तों, और ये इसका वॉल्यूम हो गया मेन। ये इसका पावर स्विच है दोस्तों, ये साइड से आ गया। ये इसके साइड में दोस्तों सुराख देखिए, सिर्फ वेंटिलेशन के लिए है, इसमें स्पीकर वगैरह कुछ नहीं है। और ये देखिए बैक साइड, आप देखिए जितनी इंस्ट्रक्शन इस पर दी गई हैं, इससे पहले हमने कैसे डेक देखे हैं, बड़े बड़े कैसे डेक देखे हैं, उनमें नहीं दी हुई होती। सबसे पहले दोस्तों इस पर दिया गया है मैकेनिज्म के लिए, देख लीजिए आप, FLD सिंथेटिक रबर बेल्ट्स। हाँ जी, ये रबड़ जो इसके अंदर बेल्ट है, जिस बेल्ट से चलता है, मोटर से पावर मिलती है आगे उस बेल्ट की, और बाकी कंपनी ने इसके लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। प्लीज़ आप पॉज करके इसको देख सकते हो, देख लीजिए। पीछे इसके वायर के लिए जो दिया गया वो भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपने सप्लाई के लिए और उधर स्पीकर के लिए सिंपल इतना ही दिया गया है। और अगर दोस्तों मेरे से कुछ छूट रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे को बता देना। ये सुराख है दोस्तों, ये सुराख है इसको बस या ट्रक की बॉडी में अटैच करने के लिए। इसके अंदर नट डाल के, वॉशर लगा के, और इसको आप बॉडी में नट लगा के उसके साथ अटैच कर देते हो। और ये सिंपल दोस्तों, ये दो वायर हैं इसकी, यहाँ से पावर सप्लाई की है, दोनों मैंने लीड लगा रखी है, और ये एक सिंगल वायर है जो इसकी, वो स्पीकर के लिए है। तो दोस्तों मैंने इसको पावर सप्लाई से जोड़ दिया, सप्लाई दे दी है, पावर दे दिया इसको। ये दोस्तों इसके साथ स्पीकर रखा हुआ है, और ये इसको वापस स्टैंड में लगा दिया मैंने, ये आपको देखने के लिए इजी रहेगा। अगर नहीं सेट हुआ तो हम दोबारा निकाल देंगे। तो दोस्तों ये कैसेट है, जो ये मेरे पास काफ़ी पुरानी कैसेट है, HMV की मिलन फिल्म और तीसरी कसम। और ये मेरे को लग रहा है दोस्तों ये डुप्लीकेट कैसेट है, वैसे तो HMV में आई थी, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये ओरिजिनल कैसेट होगी, मेरे को डुप्लीकेट ही लग रही है। इसको चलाकर देखते हैं, अगर चल गई तो ठीक है, नहीं मैंने एक और कैसेट निकाल रखी है खामोशी, ये भी डुप्लीकेट है, लेकिन ये थोड़ी चलती है। तो आइए पहले इसकी सप्लाई ऑन कर देते हैं यहाँ से। ये दे दी पावर, ये हो गया एग्जैक्ट दोस्तों। तो अब इसको देखते हैं कैसे डाल के हमने डाली है दोस्तों। इसमें ए साइड थोड़ा सा मेरे को मुश्किल आ रही है, एक तो कैसेट एक हाथ से डालनी, एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है फ़ोन। को लगता है इसमें से निकालना ही पड़ेगा मेरे को। देखिए दोस्तों उस स्टैंड से मैंने उतार दिया है, ये लगा दिया कैसेट। सबसे पहले आप चेक कर लो इसका फॉरवर्ड, देखो वर्क कर रहा है, रिवर्स, चल भाई तेरे को क्या हो गया, चलो ये शायद नाराज हो गया किसी बात को लेके। चलो प्ले करके देखते हैं, प्ले हो रहा है। तो अब चलाते हैं इसका वॉल्यूम। दोस्तों कैसे जा बढ़िया नहीं, निकाल ही देते हैं इसको। तो दोस्तों अब चलाते हैं इसको खामोशी, खामोशी फिल्म की कैसे डाल के देखते हैं। तो दोस्तों वो कैसे भी चली नहीं इसमें, और ये हो रही है खत्म, मेरे सॉरी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है, तो इसको शायद बंद करना पड़े मेरे को। लेकिन दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे बने रहना, मिलेंगे आपको नई वीडियो में, और हो सकता है इसकी ऑडियो कैसे वीडियो मैं डालूँगा अपने दूसरे चैनल पर दोबारा से, इसको लाइट से देके पावर देके, तो दोबारा से इसकी
टेस्ट वीडियो मैं दूसरे चैनल पर विंटेज टेस्ट गोल्डन म्यूजिक पर डालूंगा दोस्तों, प्लीज़ आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों साउंड बिल्कुल सही आ रहा है इसका। अगर आप इसका फुल सॉन्ग सुनना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे दूसरे चैनल पर जाकर आप इसका फुल सॉन्ग सुन सकते हो। सही डेक है, सही वर्क कर रहा है, सिर्फ बैटरी की प्रॉब्लम आ रही है।